स्वागत है दोस्तों आपके चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जिला आवंटन की सूची जारी है ना, शुरू हो गई है, गोरखपुर की जारी हुई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आपको एक नहीं पांच पांच शपथ पत्र चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं शैक्षणिक या आपके जाति को लेकर, ये सारी जितने भी शैक्षणिक लगने हैं ये सब 20 दिसंबर 2018 से पहले के होने चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये देखें ध्यान से आप जरा स्क्रीन पर, ये जनपद गोरखपुर के लिए काउंसलिंग के महत्वपूर्ण निर्देशों की सूची मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिखी हुई है। सबसे पहले जो लाइन अगर देखें आप पढ़ेंगे ध्यान से, काउंसलिंग जांच में प्रतिभाग करने के लिए चयन अथवा नियुक्ति हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात ये केवल काउंसलिंग है, आप इससे ये ना कहें कि आपका सिलेक्शन हो गया। दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व के समस्त शैक्षणिक सदस्य अभिलेख आईडी प्रूफ जाति प्रमाण पत्र, ध्यान से देखिए ये सब आप जितने भी हैं ये सब जो हैं आपको ये सब 20 दिसंबर 2018 से पहले चाहिए। आईडी प्रूफ, जाति, निवास, विशेष आरक्षण, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये सब आपको 20/12/2018 से पहले चाहिए। उपयुक्त सभी अभिलेखों की आपको दो दो फोटो कॉपी स्टेट पूरी, ये पहले भी बताया जा चुका है, आपको बता चुका हूँ, जो एक फाइल में लगानी है जिस पर अभ्यर्थी का नाम, जाति, आरक्षण, मोबाइल नंबर, पता सब उस पर लिखा हुआ हो, ये आपको ज़रूर से फोर सेल लगाने हैं। फिर चौथा पॉइंट है, 4 पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फ़ोटो आपको चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए। और उसके बाद देखें 10 रुपये के आपको जो स्टाम्प चाहिए, 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1, 2, 3, 4, 5 आवेदन पत्र अलग अलग नोटरी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको जो बनाने इस बार 5 ये जो है शपथ पत्र बनाने हैं, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। इसी में अगर आप देखेंगे कि न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 3 सादा लिफाफा भी आपको चाहिए। अब बात करते हैं शपथ पत्र में क्या होगा। पहला शपथ पत्र आप इसको देख पा रहे होंगे, 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर फोटो सहित, और इस पर क्या लिखा होगा, समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जैसे यहाँ गोरखपुर लिखा है वैसे ही वहाँ आपका जिला होगा, मैं डैश आपका नाम, निवासी जहाँ के आप हैं, जनपद एरिया, शपथपुर पूर्वक बयान करता या करती हूँ कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार में स्वामित्वधीन या निर्माणधीन किसी निगम या निकाय द्वारा प्रद्युत नहीं किया गया है, अर्थात ये आपको ये एफिडेविट देना है कि आप किसी नौकरी में पहले से नहीं हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से इस बात को पढ़िएगा कि नैतिक अध्यक्ष किसी अपराध के लिए भी दोष सिद्ध नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको ये फर्स्ट वाले में देनी है आपको। दूसरा है आपका, देखिए ध्यान से सेकेंड शपथ पत्र में क्या देना है, 10 रुपये का नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर फोटो सहित लगाना है, क्या लगाना है, समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर की जगह आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, मैं डैश निवासी, ये पूरा का पूरा आपको ये इसको मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा प्रारूप ये भी आपका दूसरा एफिडेविट ये बनेगा, 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पर। इसमें सिर्फ ये लिखा है आपको कि किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाए जाने पर या फर्जी पाए जाने पर या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ये इन्होंने कहा है। अब तीसरा जो है वो देखिए ध्यान से, ये तीसरा शपथ पत्र है, ये 10 रुपये का, ये भी नॉन जुडिशल स्टैम्प पर है, ये भी श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के है, ये नाम प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, जहाँ के आप हैं, जनपद, बयान करता हूँ कि मेरी शादी, ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरी शादी श्री या श्रीमती पुत्र निवासी दिस से हुई है अथवा उपरोक्त के किसी अन्य महिला पुरुष से नहीं हुई है, ये बात दिखाई दे रहे होंगे, जो जीवित है, मेरे द्वारा जो विवरण अंकित किया गया है वह सत्य है, ये आपको तीसरा एफिडेविट आपको देना है। ये 3 एफिडेविट तो ये हो गए, इसके बाद में आपको दिखाता हूँ और क्या आपको एफिडेविट देना है। ये देखिए ध्यान से, ये प्रारूप 4 है, ये प्रारूप 4 है और लिखा है ऊपर 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद गोरखपुर में काउंसलिंग के लिए लिखा जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए ध्यान से, जनपद का नाम,
रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, पहले ही बताए जा चुके हैं, जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, मोबाइल नंबर, लिंग, वर्ग, विशेष आरक्षण यदि कोई हो, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राफ्ट नंबर, शिक्षा मित्र पर, ये उनके लिए जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए है ये देखें ध्यान से। इसी में आगे जो है ये ड्राफ्ट पद, शिक्षा मित्र पद पर हैं, तो 16वें नंबर पे ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी, हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, स्नातक के, बीएड के, बीटीसी या जो भी आपका है बीएड वो, और टीईटी परीक्षा और सहायक अध्यापक परीक्षा की ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होंगी। डाइट, जनपद का नाम जहाँ पर है, वैवाहिक स्थिति आपकी, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, यदि कोई आरक्षण है इनमें से तो वो आरक्षण भरना है। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, इंडियन, उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष की अवधि की स्थिति, और ये आपको उद्घोषणा करता हूँ ये दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये एफिडेविट, ये जो पूरा कंप्लीट जो बना हुआ है ये पूरा एफिडेविट आपको बनना है, नीचे ये लिखना है आपको इसमें जहाँ आप साइन करेंगे, ये भी 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर आपको पूरा बनना है। देखिए ध्यान से, ये आप इसकी बाद में, ये मैंने इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, आप इसकी इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको दिखेगा इसमें क्या लिखा है। इसी में आगे जो है दोस्तों, इसमें और क्या है वो देखते हैं आप, आपके लिए अगर मैं इसमें देखूँ, इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसे ध्यान से देखिए, ये है आपका शपथ पत्र नंबर 5, 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर फोटो सहित। तो 4 पहले हो गए थे, एक ये दिखाई दे रहा है, ये श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, या गोरखपुर की जो आपका वो होगा जिला, और ये मैं, आपका नाम, पुत्र, पिताजी का नाम, निवासी जो भी आप हैं, ये मैं, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षणिक व अन्य अभिलेख पूर्ण सही हैं, मैं शपथ करता जनपद जो भी आपका होगा, मैं नियुक्त होने के अंतर्गत अंतरजातीय स्टैंड की मांग नहीं करूंगा। ये आपको 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर आपको देना होगा, करेक्ट है। इसी में नीचे फाइल कवर, देखिए ध्यान से ये बात, जो फाइल जिसमें आपको लिखना है, फाइल कवर पर लिखें आप 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 जनपद जो भी आपका होगा, लिंग, जाति, वर्ग, विशेष आरक्षण श्रेणी, और ये सारी चीज़ें लाइन से लगाएंगे। सूची क्रमांक दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखें इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं, सूची क्रमांक है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, अभ्यर्थी का नाम है, पिताजी का नाम है, स्थायी पता है, वर्तमान पता है, और मोबाइल नंबर है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान से लगानी है। ये जो है आपका 5वां एफिडेविट है, 5th एफिडेविट है आपका ये। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें और क्या चाहिए आपको, वो है आपका ये, ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरें, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है अपने ऑनलाइन फॉर्म में बिल्कुल वैसा ही, और यूज़ ब्लॉक लेटर्स ओनली, इंग्लिश में ही भरना है आपको। क्या क्या भरना है आप देखिए, आप सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नाम है आप देख सकते हैं, फादर का नाम है, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, होम नंबर, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो फिल करनी हैं इसमें। ये जो ऊपर लिखा है ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरें, दिख रहा होगा आपको, आवेदित पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए। तो ये जो ये भी एक आपको भरना है, और एक लास्ट फॉर्म और है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या फॉर्म है, लास्ट फॉर्म और है इसके अलावा वो ये है, ध्यान से देखिए, ये गाइडलाइन है आपके लिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु, वो आपके क्या क्या चीज़ें जांच बिंदु करेगा, जो खंड बीईओ है वो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आवेदन पत्र आपका, आवेदन पत्र के बाद ध्यान से देखें आप इसे, तो मूल रूप से ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या होता है कि जो ड्राफ्ट आप बनवाते हैं उसमें किसी का आगे नाम नहीं होता, वो किसका है, तो आपका ड्राफ्ट चेंज ना हो उसके पीछे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नोटरी शपथ पत्र यानी कि ये 5ों जो अभी आपको मैंने दिखाए थे, ये 5ों एविडेविट लाइन से दिखाई देगा। आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन में लगाया था वो। शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पत्र, या ये उनके लिए है जो शिक्षा मित्रों के लिए है।
फिर आपका ऑनलाइन आवेदन 20/12/18 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि किसी भी विभाग में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिस टाइम ये फॉर्म भरा था उससे पहले अगर आप कहीं नौकरी करते थे तो वहाँ की आपको NOC चाहिए होगी। फिर है जन्मतिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर, वो चेक करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन में विवरण अनुक्रमांक परीक्षा वर्ष प्राप्तांक पूर्णांक का मिलान, ये सारी चीज़ें। और क्या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का मिलान, TET का, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण के निवास प्रमाण पत्र, विशेष कोई आरक्षण मिला हो, और भूतपूर्व सैनिकों का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होंगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पांचों चीज़ें हैं। मैं आपको फिर से इनको धीरे धीरे करके एक बार आप, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें आप। पहले तो ये आप देखिए, मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, आपको ये पांचों आपको स्वरूप चाहिए, ये प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आप इन पांचों के स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, मैंने आपको दे दिया है। ये देखिए आपके सामने, ये दूसरा है, ये आपके सामने तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। कृपया करके इन सभी के अनुसार ही आप अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करें। आपके पास टाइम कम है, कल और परसों तक है। इसमें NCTE का सर्टिफिकेट भी लगाना है, जो मैंने आपको इसमें पहले बताया हुआ था। इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। आपके सामने ये पांचों के पांचों मैंने लिख दिए हैं, इनको ध्यान से आप इसको अच्छी तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।